ऑल राइट गाइस, सो आज हम बात करेंगे कुछ बाबा अजीज़ के बारे में कि भाई आपको बाबा अजीज़ के पास क्यों नहीं जाना चाहिए। एक होते हैं ना वो फ़कीर बाबा अजीज़, उनकी बात हो रही है। एक होते हैं कि भाई जो दरगाह हो गई या फिर कोई जहाँ मान्यता है वहाँ जाओ, आपकी चॉइस है, वो अलग बात है। लेकिन होता नहीं हर गली नुक्कड़ में कोई बाबा अजीज़ होता है भाई। कंबल वाला बाबा, काले कंबल वाला बाबा, कहते ने कि काले कंबल वाला बाबा जदों किसी मरीज नु हाथ ला दिंदा है तां वो बिल्कुल ही टल्ली वर्गा हो जाता है, बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। दोस्तों बीमारी कितनी भी पुरानी होवे, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कहते जेडे जन्म तो ही बीमार ने अते जिन्हां दे अंग पैर सही तरह काम नहीं करते जां फिर उन्हां दे विच कोई शारीरिक ताकड़ी ही कमजोरी है, उठ नहीं सकते, तुर नहीं सकते अते ठीक तरह बैठ भी नहीं सकते, अंग पैर मुड़े हुए ने, अंग पैर मरे हुए ने, कंबली वाला बाबा बिल्कुल ही कर दिंदा है तंदुरुस्त। घर बसाने की बात करता है भाई, तेरा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्यों नहीं जाना चाहिए? आपने देखा होगा इंडियन सोसाइटी में लड़कियां होती हैं ना, उनके घर में कुछ भी छोटी मोटी बात होती है तो वो क्या करते हैं भाई, अपने वहाँ चले जाते हैं, भाई बाबा जी हमारा घर नहीं बस रहा, कुछ उपाय बताओ। फिर बाबा जी उन्हें लूटता है अच्छे से, पैसे से भी और वैसे भी। तो यार देखो, पहली बात तुम समझो कंसेप्ट को समझना। ठीक है, एक होता है मछली देना, एक होता है मछली पकड़ना, पकड़ना एक होता है मछली सिखाना, पकड़ना सिखाना। तो मैंने तुम्हें मछली पकड़नी सिखा रहा हूँ, तो सीख लेना। पहली बात तो ये है कि जो ये बाबा जीज होते हैं ना, आप समझना चीज़ों को, ये ना मोस्टली मतलब 100 में से 90 बाबा क्रिमिनल्स होते हैं, दाढ़ी बड़ी रहती है। क्यों? ये ना कहीं क्राइम करके भागे होते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं, ये PO होते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरे शहरों में चले जाते हैं, दाढ़ियाँ बढ़ा लेते हैं, अपनी अपनी पहचान छुपा लेते हैं ताकि इनको कोई पकड़े ना। जनरली यही होता है, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली अच्छे बाबा भी होते हैं वो अलग बात करेंगे हम किसी और दिन, लेकिन 90% ऐसे ही होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना ना कोई ठिया बना लेते हैं, ठिया बना लेते हैं, अपनी भीड़ बनवा लेते हैं, फिर इनका चल जाता है, फिर लोग इनके पास आने लगते हैं। और दो चार ये ज्ञान पेल देते हैं। और तुम्हें एक बात कहूँ, आज के टाइम में ना ज्ञान पेलना बहुत इजी काम है। देखना अब देखो, तुम्हें पता है सब कुछ, सबको सब कुछ पता है। अब देखो, तुम्हें पता है नशे से इंसान बर्बाद होगा, तुम्हें पता है मेहनत करने से इंसान आगे जाएगा, लेकिन कर कितने पाते हैं, नहीं कर पाते ना। कहने का मतलब समझ रहे हो भाई साहब, आज के टाइम में ज्ञान पेलना सबसे ईजी काम है। और जो ये बाबा जी लोग क्या करते हैं, ज्ञान ही तो पेलते, बातों से ही तो खेलते हैं। तेरा घर बस जाएगा, तेरा बेटा होगा, तेरी नौकरी लग जाएगी, समझ रहे हो, मतलब टारगेट ऑडियंस करते हैं। अब मान लो कोई इनके पास जवान बच्चा जाएगा तो ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ यार नौकरी का ही सीन होगा, उसको बोलेंगे हाँ भाई तेरी नौकरी लग जाएगी। अगर मान लो इनके पास कोई कपल जाएगा ना, कपल जाएगा तो ये समझ जाते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम होगी तभी आए, तो बोलेंगे तेरे को बेटा होगा, समझ रहे हो, माइंड गेम समझ रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ऐसे ये पैसे हड़पते हैं, तो तुम्हें इनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना। मेरे काफ़ी ऐसे क्लाइंट हैं इनके चक्करों में पड़े हैं और उनका पैसा फंसा पड़ा है, पैसा फंसा पड़ा है। मैं उनको बोलता हूँ भाई उनको लीगल एक्शन लो या मेरे को नंबर दो, तो वो कहते हैं नहीं सर वो कुछ और वो कर देंगे, टोना टोटका कर देंगे अगर हमसे पैसे मांगेंगे तो।
तो ऐसी भी बुद्धि है लोगों की, देख रहे हो। अभी मैं आपको ना वीडियो के लास्ट में एक ऑडियो सुनाऊंगा, उसमें देखना मैंने अपने क्लाइंटों के पैसे निकलवाए काफ़ी बाबा उसे। तो ऐसा नहीं है कि भी पैसे निकलते नहीं, निकल जाते हैं, बस इनको थोड़ा सा वो करना पड़ता है, लीगल एक्शन की धमकी देनी पड़ती है और लीगल एक्शन का वो करना पड़ता है, तब ये पैसे दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर देखो तुम्हारा घर नहीं बस रहा है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गई है ना, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो यार, ठीक है। ससुराल जाओ, उनसे बात करो, अपनी फैमिली को लेके जाओ, वहाँ बात करो। अगर वहाँ बात नहीं बनती तो लीगल एक्शन लो। अगर मान लो तुम्हारे साथ मार पिटाई हुई है, कुछ हुआ है, तो लीगल एक्शन लो ना। पहले तो देखो ट्राई करो कि घर बस जाए। अब देखो सबसे बेस्ट केस होता है ना, लोग पूछते हैं घर बसाने का केस कौन सा होता है सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट होता है सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। लड़कियाँ क्या करती हैं, 498 डाल देती हैं, दहेज डाल देती हैं, प्रेशर। अरे क्या प्रेशर बनेगा भाई, एक बात तो जब तुम 498 डालोगी तो फिर कोर्ट उसको ही ट्रायल करेगा ना, उसमें तो घर बसाने की बात ही नहीं है। वकील कहते हैं ना अभी प्रेशर बनेगा, अरे क्या प्रेशर बनेगा है, इन्वेस्टिगेशन में ऐड कर लेगा, आई हो चलते रहेगा, क्या प्रेशर बनेगा, क्या प्रेशर बनेगा। अगर कोई लड़की देख रही है ना उसको सच में घर बसाना है, तो यार देखो सेक्शन 9 का केस करो। सेक्शन 9 होता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, भाई एक पार्टी ने शादी के वेडलॉक से विड्रॉ कर लिया तो उसको वापस लाने के लिए भाई निभा, ये होता है। अब कुछ लोग कहते हैं भाई टाइम लगेगा कोर्ट में, तो टाइम लगेगा। अरे भाइयों तुम कुछ करो मत, भाई और बहनों तुम कुछ करो मत, अभी तो टाइम जा रहा है ना। अब मान लो मैं बैठता हूँ, अब मैं सोचता हूँ यार मैं कुछ कुछ काम कर लूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ यार उसमें टाइम वेस्ट होगा, अब मैं ना करूँगा तब भी तो टाइम वेस्ट होगा ना। अब लड़कियाँ कहती हैं कि भाई सर इसमें तो टाइम लगेगा, तो तुम मत करो तब भी तो टाइम जा रहा है, टाइम कौन सा रुका पड़ा है, टाइम तब भी तो जा रहा है ना, तो इस चीज़ को समझो ना तुम। टाइम तो जब भी जाएगा, जब भी जाएगा, वही ना आइसक्रीम की तरह है, तुम खाओगे तब भी पिघलेगी, नहीं खाओगे तब भी पिघलेगी, टाइम तो ऐसा ही है भैया। तो तुम कुछ कर ही लो ना, यूटिलाइज़ कर लो, ठीक है। अब बहुत लड़कियों को ये रहता है कि भाई हम वकील की फ़ीस कहाँ से लाएंगे, ये लाएंगे। तो भाई हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में लीगल एड बने होते हैं, लीगल एड समझते हो आप, सरकार की तरफ से आपको फ्री में वकील मिलते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। कुछ लड़कियों के सरकारी काम है, ये है, अच्छा काम नहीं। अरे भाई तुम जाओ तो सही पहले वहाँ, उनसे बात तो करो, उनसे सीधा बोलो ना भाई घर बसाने का केस करना है, साथ में 125 लगाओ भाई, ताकि तुम्हारा खर्चा पानी चलता रहे। और 125 ना पता है क्या है, जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन था ना, वो इसलिए था कि पैसे को देख के क्या पता लड़का रख ले, जब मर्द की जेब ढीली होती है ना तो वो सोचता है यार चल रख लेते हैं, इसलिए बनाया था, समझ रहे हो। ये नहीं है कि भाई उसका इंटेंशन ये था, लेकिन लड़कियां क्या करती हैं उसका गलत वो यूज़ करते हैं कि भाई बॉयफ्रेंड बना लेंगी और फिर मेंटेनेंस डाल देंगी, तो वो तो फिर दिक्कत होती है ना। तो कहने का मतलब ये है इस वीडियो का, कोई भी बाबा के चक्कर में मत पड़ो, अपना पैसा वेस्ट मत करो। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन उनको पैसा मत दो, ठीक है। कहने का मतलब ये कि तुम्हारा लॉस नहीं होना चाहिए, मेंटली, फिजिकली, सोशली, फाइनेंशियली कैसा भी लॉस नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें जाते हो जाओ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो सर्विस लो, नहीं तो आ जाओ, समझ रहे। कहने का मतलब ये है कि उनके चक्कर में अपना पैसा वेस्ट नहीं करना, ओके। यार बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। अब लास्ट में एक वीडियो आएगी तो देखना, उसमें मैंने एक क्लाइंट थी हमारी द्वारका की, उसके पैसे निकलवाए थे, दीपा नाम था उसका, तो उसके पैसे निकलवाए थे, पंडित जी थे, तो उसके तो निकलवा दिए। अगर तुम्हारे कोई फंस रहे हैं तो तुम मुझे इंस्टा पे कॉल कर सकते हो, कॉल मतलब मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन बता सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ओके। सो आई होप इट इज़ क्लियर, बाय। हेलो, ये पोंगा स्वामी जी से बात हो रही है क्या? हाँ वहीं से बोल रही हूँ, बताइए। हाँ जी, स्वामी जी से बात कर सकोगी? बताएं कौन बोल रहे हैं? हाँ हम आपके पुराने कस्टमर बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए। हाँ जी, एक दक्षिणा के ना पैसे रह रहे थे दीपालाली के। हाँ, दीपा नाम से, दीपा के नाम से, दीपा के नाम से। हाँ जी, आपने बोला था 8 जुलाई को पैसे वापस कर देंगे, तो भैया फीस नहीं आई वापस, 8 जुलाई भी निकल गया, अगस्त भी निकल गया। किसके नाम से? दीपा। हाँ दीपा के नाम से, सुभाष नगर तिलक। हाँ जी, दीपा के नाम से है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, दीपा के नाम से। हाँ जी, दीपा, डी डी। कब पढ़ा था आपका ये? आप ये बताओ पोंगा जी से बात कर रही थी? किसी से बात कर रहे हैं, बताइए। हम हमें पेमेंट चाहिए, उन्होंने बात करी थी 8 जुलाई को हम पेमेंट वापस कर देंगे, 8 जुलाई निकल गया, पैसे आए नहीं है, तो अब हमने दोबारा से फोन किया है। हाँ 8 जुलाई, 8 जुलाई को स्वामी जी ने बात करी थी, आपके पैसे दे देंगे, आधे पैसे पहले दे दिए थे, आधे रह गए थे, तो 5,000 कुछ रह गए हैं, 8,000 कुछ रह गए हैं, वो देने हैं। 8,000 रह गए? हाँ, कंफर्म कर लो ना, पंडित जी से पूछ लो कितने रह गए। आप बताओ ना, आप उनसे बात कराओ, उनको पता है, अब मैं आपको पहले डिटेल बताऊंगा, फिर बताऊंगा। नहीं नहीं, वो तो अंदर है, किसी से बात कर रहे हैं। हाँ, आप मुझे बताइए, वो निकलेंगे तो मैं उनको बोल तो सकूँ, उनको पता होगा जब तो मैं बताऊंगी उनको। सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ उनको, ये बोलना कि दीपा लाली के पैसे रह रहे हैं, ठीक है? अच्छा। और दीपा लाली के एडवोकेट का फोन आया है। अच्छा।
दीपा लाली, दीपा नाम है उसका पूरा, हम उसको लाली बोलते हैं, दीपा लाली। अच्छा अच्छा ठीक है, बोल देना भाई उसके पैसे दे रहे हैं और पैसे दे दो, 8 जुलाई निकल गई, 8 अगस्त भी निकल गया, फिर बाद में दिक्कत ना होगी, कोर्ट के धक्के खाने पड़ते रहे और बाद में समझ रहे, अच्छा लगता है पंडित जी कोर्ट में आए और ठीक है मैं बता दूंगी, भजन कीर्तन के दिन है तो खा खाएंगे, 6 बजे फोन कर लेना, 6 बजे हाँ जी मिल जाएगा ना फोन, यही नंबर आता है, हाँ यही नंबर बिल्कुल ठीक है, मैं लिख लेती हूँ, हाँ लिख लो, आपका क्या नाम है, हमारा नाम है एडवोकेट, नाम एडवोकेट जगीरा, जगीरा हाँ जगीरा ठीक है, पंडित जी से बात हो रही है, हाँ जी बोल रहा हूँ, हाँ जी वो साहब वो पैसे की बात थी, एक मिनट में बोलते, हाँ जी हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए भैया क्या बोल रहे हैं, हाँ जी एक दीपा लाली होगी आपके पास तो, हाँ जी हाँ वो पैसे देने थे आपने वापस, वो आके आके ले लो, क्या बात है आप दूसरे के कैसे कर सकते हो, आके ले लो, आके नहीं आके ना वो थोड़ा बिजी है त्योहार के चलते, आप गूगल पे कर दो ना, तो भाई तो मैं आपको नहीं मैं वो पैसे तो कोई बात नहीं दे, तो आपने सुबह बात करके कोई ऐसे ऐसे बात कर रहे भैया क्या बात है भाई, नहीं नहीं हमने कैसे बात करो, हमने कुछ नहीं बोला, हमने उनको उनको हमने उनको मर्जी से ही पूछा, हमने पूछा है ठीक है, हमने उनको पैसा मांगा मैंने दे दिया भैया, हम गलत हम गलत बात नहीं, आप समझते हो, हम यही तो कह रहे हैं आपने आधा दिया तो आधा जो बचा वो दे दो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं आप फ्रॉड हो ये आप नहीं दे, हम तो कह रहे हैं कि आप दे रहे हो आधा पैसा आपने दिया है, अभी तो समझ रहे हो हम थोड़ी कुछ कह रहे हैं, फिर कब भेजें उनको, नहीं क्या होगा कल ही भेजो, अभी भेजो, अभी भेज दें, चलो उनको बोलता हूँ आपको कॉल कर लें, या फिर हो सके तो आप पे ही कर देना ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन चाहिए क्या, हाँ भाई आपका भी टाइम बच जाएगा ना, ऑनलाइन एक मिनट में होल्ड करो, क्या बात है ये पैसा की बात में से, लाइन में होल्ड करो, दीपा नाम है, हाँ जी हाँ जी दीपा नाम है, वो आपको याद होगा पिछली बार उन्होंने भाई भाई सब कुछ याद है, तो आप इसमें आके बात करो, हम कैश ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं रखता, वो उसने ज्यादा बोला मैंने दिया, तो दोबारा ये बात एक मिनट में कॉल करिए, दीपा दीपा व्हाट्सएप गूगल पे किया होगा ना, हाँ हाँ गूगल पे किया था, हाँ ज्योति नाम से किया था क्या वो, हाँ जी ज्योति नाम से जानता है क्या वो, ज्योति चौहान, एक मिनट मैं कंफर्म करके बता देता हूँ, बताओ करो एक मिनट, डबल एट जीरो डबल एट जीरो टू एट सिक्स टू एट सिक्स दीपा मालकोटी, हाँ जी हाँ जी दीपा मालकोटी, हाँ जी हाँ जी उन्होंने बोला था 5,400 रुपये लगे शायद, तो आप देख लो एक बार इतना ही है फिर पूरा कर रहा है, एक मिनट सेकंड, वन सेकंड देख लो आके उनसे पूछ लो, हाँ जी सर थैंक यू ठीक है।